मुझे लग रहा है कि सौभाग्य ही है महामंडलेश्वर परम सर्वे परम पूजनीय अपने हरि चेतनानंद जी महाराज जी आपका आशीर्वचन सुनने के लिए मिला। बहुत अच्छा लगा अपने दीजिए परम सर्वे आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज जी और आदरणीय महंत दुर्गादास जी महाराज जी आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करते हुए और हमारे बीच में अपने गेस्ट प्रमुख दिनेश भाजी हैं समिति के सदस्य सभी का अभिनंदन। और मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे परम प्रेमी अमित मोदी जी चाहता हूँ मंजुलानी जी महाराज जब यहाँ कोई अच्छा एजुकेशन सेंटर देंगे और उस वहाँ से जब बच्चा निकलेगा और उसकी टीसी में ध्यान से सुनना जब वो अमेरिका पहुंचेगा तो उसके टीसी में इसी गांव का नाम लिखा होगा मैंने वहां कहा था कि जब इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चा आउट ऑफ कंट्री में जाएगा लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट में तुम्हारे गाँव का नाम लिखा होगा। एक अच्छा एजुकेशन सेंटर दे दो, एक अच्छा ध्यान से सुनना। यहाँ एक बड़ा मैं बड़ी बात हो रही है मैं आपको कहना चाहता हूँ एक एजुकेशन सेंटर, एक छोटा सा चिकित्सालय, एक छोटा सा जिससे आसपास के गांव के लोग यहाँ आए, छोटी छोटी जो समस्याएं हमारी हैं उन समस्याओं का समाधान और जो है यहाँ पर हो जाए। एक एम्बुलेंस चाहिए चारों तरफ घूमे और क्या हो सकता है, लेकिन मंजुलानंद जी महाराज कर सकते हैं। मूर्ति प्रकांत प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उपस्थित परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में पूरे भारत के परम विद्वानों में से एक